नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? भाग सिंह खड़जी। सर डेरे से आप क्यों जुड़े? हमारे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पहले फौज में थे, जब परम पिता जी के वचन सुने तो हमारे को तसल्ली हो गई, ये संस्था बिल्कुल सही है और सच है, इसलिए जुड़े। सर आप कहते हो कि संस्था सही है, उसके बावजूद मीडिया में इतना गंद क्यों? ये तो मतलब जो पार्टीबाजी होती है गवर्नमेंट की, जो चाल है ऐसे जाकर कुछ सच को झूठ कर दें, झूठ को सच बना दें, दुनिया की आदत बन चुकी है और हमेशा है, पहले से भी जिस थी ऐसी थी, जब पहले गुरु गोविंद जो भी थे सच्चाई थी मगर उनको झूठ बनाकर सजा दी गई। गुरु जी पे कितना विश्वास है जी? गुरु जी पे कितना विश्वास? गुरु जी पर 100% विश्वास है, हम इसीलिए सेवा कर रहे हैं। सर मानवता भलाई के लिए गुरु जी ने क्या क्या कार्य करे? बहुत काम किए, जो दुनिया नहीं कर सकती वो काम किए ना, जो खून के दिन देना जहाँ मतलब किसी को मरे हो के जिंदा करना, जहाँ कोई आप तो पाए उधर उनको निकालना, गरीबों को राशन, बहुत कुछ किया, इनकी गलती हो ही नहीं सकती कभी। सर वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां हैं क्या उनके लिए गुरु जी ने कुछ किया? बहुत कुछ किया उनके लिए, जो बेचारी ठोकर हम फौज में रहे, वैश्यावृत्ति ऐसी चीज है बहुत बुरी हालत, मतलब सबसे बुरी चीज कह सकते हैं हम, इसलिए हमने उन्होंने सोच कर पिताजी ने रहम किया सर, ताकि आप वो गंद गंद से निकल जाए। आप आर्मी में हैं सर, क्या देश की आर्मी के लिए गुरु जी ने? हाँ जी, क्या आर्मी के लिए परम पिता जी भी बहुत मतलब अच्छा महीनों को जो फौजियों को पहले नंबर थे भक्ति गिनते थे हम, इसलिए और भी ज़्यादा विश्वास हो गया। अभी भी हमारे जो परम बुजुर्ग पिताजी हमको पहले नंबर में खेती में सारी सत्संग के सामने बोला जी, हमारा बैंक खड़ा है सामने आप देख लो। समाज को गुरु जी की जरूरत है सर? हाँ जी। आज समाज को गुरु जी की जरूरत है आपको लगता है? किसकी? आज समाज को गुरु जी की कितनी ज़्यादा जरूरत? बहुत ज़्यादा जरूरत है, नहीं तो जो पता नहीं क्या होगा इस दुनिया में, मतलब क्या बोलते हैं आग मच जाएगी, जल जाएगी दुनिया। सरकार से क्या अपील करोगे? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार को हम आज ही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जो राज है मल्टी राइट वाली गल है भी, जो जिसका राज उसको उसकी लाठी, जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए सरकार को बेनती कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। सर आप एक जो समाज के सच्चे प्रहरी रह चुके हैं, जैसे कि आपने बताया आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो क्या गुरुजी ने मतलब आप हर तरीके की सेवा देश की करते हैं कि एक माता बहन की इज्जत बचाना, मतलब आपके अंदर देश प्रेम की भावना पहले से ही मान लीजिए थी? हाँ, पहले थी। तो गुरुजी ने क्या ऐसी भावना आपने गुरुजी के डेरे के अंदर आके देखी? हाँ, हमने वही जो पहले सोचते थे वही हमने सामने देखी आंखों से। महिलाएं जो है कितनी ज्यादा सुरक्षित? पिताजी के साथ मतलब पिताजी ऐसा व्याख्या करते कि जनानी के साथ मतलब टच करना देखना तो टच करने मरा है सर। मगर मीडिया में काफी कुछ गलत दिखाया गया था सर, आखिर क्यों, क्या रीजन है इसका, आरोप क्यों लगाया गया? उसको डाउन करने के लिए, इनको जो संस्था को डाउन करने के लिए, और कोई चीज नहीं उनको मिलता, ताकि पैसा मिलता है वो जो पैसा देकर कुछ भी करा सकते हो, कोई भी किसी से 2 लाख रुपया गरीब को दे दो वो कुछ भी करा सकते हो उससे, या उसको तकलीफ ऐसी तकलीफ दो वो सब कुछ वो मान जाओ कह देगा, मतलब उससे कुछ भी कहला दो। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स क्या कार्य करती थी? कार्य सबको करती है, राशन देती है गरीब के, मतलब जो कोई कभी आता है आग से निकालते हैं, और भी जो बेपता पड़ जाए वो सभी को एक जैसा, कोई जात पात का नहीं रखते, वो दुनिया की मदद करते हैं, इसलिए बनाई गई वो फौज जैसी ही है, जैसे फौज को ऑर्डर देते हैं वो उनको जब भर्ती होता है तभी वचन देते हैं, भाई आग में जाना पड़ेगा, समुद्र में जाना होगा तो आपको ना नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ये है भी किधर भी जाना पड़ेगा वो जान से डरेंगे नहीं। सर ये मीडिया में काफ़ी नरकंकाल नरकंकाल दिखाया गया था, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है, आखिर इतनी अफवाहें हैं नरकंकाल के बारे में क्यों? नरकंकाल क्या मतलब? सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कि मीडिया के बारे मीडिया की सुनते हैं और डेरा को गलत बोलते हैं? गलत उनको हम बेनती करते हैं, सरकार का जो पैसा देकर उनको भड़काया जा रहा है, इसलिए वो गलत फहमी ऐसी ही बताई हुई है। हम बाहर फॉरन में गए हैं, उधर भी वो यही मतलब पिताजी के बारे में उल्ट बोलते हैं, क्योंकि मीडिया ने ऐसा पक्का मतलब बात बनाई है जो आदमी देखने से बगैर उसको सच आ जाता है, मगर उनको इसलिए आंखों से देखा नहीं है, वो सुनी सुनाई बात बकवास कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जैसा कि आपने देखा ये
जैसा कि आपने देखा, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इनका जो बयान है वो ये है कि जैसा इन्होंने आर्मी देश के लिए आर्मी में रहते हुए कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार गुरुजी देश के अंदर रहते हुए उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कार्य करवा रहे हैं देश के लिए, देश भलाई के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स की सेफ्टी इतनी थी कि नशा एक कहते हैं कि कम हो जाए तो गर्ल्स की सेफ्टी ऑटोमेटिक 50% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। तो समाज को क्या आज गुरुजी की ज़रूरत नहीं? समाज को बिल्कुल ज़रूरत है ऐसे संत की। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।